जॉनी सर ये बताइए कि आप किस तरह से याद करना चाहेंगे, बहुत दुख की घड़ी है, हम सब गमगीन है, बॉलीवुड पूरा उदास है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या यादें हैं? मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी 4 दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे, वेब सीरीज हमारी रिलीज हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी, तो हम लोग कुछ महीने पहले, तो 1-2 महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में, और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को, बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन राइटर और बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी, हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमने, अचानक ये जो होना है ये बहुत तकलीफदायक बात है हम सबके लिए, हम आर्टिस्टों के लिए, और क्या कह सकता हूँ, बस यही। सर आपकी तरह ही बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बहुत अपनी बड़ी पहचान बनाई, बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन थे, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, उनके मेरी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं यूट्यूब में देखते होंगे आप, और बेहतरीन टाइमिंग थी उनका, अपना एक स्टाइल था, अपना अंदाज था, और बहुत ही ऊंचे कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे। बहुत बड़ा लॉस हुआ, अभी तो 5-6 पिक्चरें बना रहे थे वो, एक भगत एक कंपनी के साथ काम लगे हुए थे वो, तो काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। बताया कि 4 दिन पहले आप शूटिंग कर रहे थे, जी क्या शूट कर रहे थे बताएंगे? हम लोग, हमारी एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है 17 मार्च को, पॉपकॉर्न, उसकी प्रमोशन कर रहे थे हम लोग, शूटिंग भी कर रहे थे, तो अभी ऐसा लगता है कि कल की बात है, और ये थैंक यू जी, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, shall we start? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदा रहने में और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर जिंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे, अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था, अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर, और जो सबसे ख़ास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे, हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आँखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं, अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियाँ बांटी, और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया, दुख नहीं बांटे, खुशियां बांटी, हंसियां बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथ। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया, और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली,
लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी। और दो फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर वन। तो बस सेट पे उनका रहना शर्त था और माहौल का खुशगवार होना उनकी बातों से। तो मैं यही कहूँगा कि हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं जिंदगी में। इतना जो कुछ भी उन्होंने आज तक अचीव किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते पर और अपने व्यवहार के बलबूते पे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और हमेशा और बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते थे किसी की, तो कभी मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें टेंशन में नहीं देखा। जब भी देखा उन्हें अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बांटते हुए। तो यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं जिंदगी में हजार हा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, वो एक नक्श छोड़ कर गए हैं, वो अपनी एक पहचान छोड़ कर गए हैं। और जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक उनकी वो जिस्मानी तौर पे आज चले गए हैं लेकिन जो उनकी खुशगवार यादें हैं, उनकी बिखेरी हुई जो खुशियां हैं, वो हमेशा रहते दम तक हमारे दिल में कायम रहे। गुरु ही गुरु है वो, क्योंकि उनको हमेशा पर्दे पे देखा है, कैलेंडर का रोल करते हुए, पप्पू पेजर का रोल करते हुए, हमेशा उनको फिल्मों में देखने का देखते रहते थे, सीखते रहते थे। राम लखन हो, या क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया, चाहे वो स्टेज पर हो, सेल्समैन रामलाल स्टेज का हो, या फिल्मों में हो, कॉमेडी की कल्ट फिल्म जाने भी दो यार लिखने का और असिस्टेंट डायरेक्टर और एज एन एक्टर काम किया उन्होंने। फिर फिल्मों में बहुत सारे कैरेक्टर किए, फिल्म मिस्टर इंडिया में मेरा नाम है कैलेंडर, ये जो गाना जो हमने सुना था, तो जब ओरिजिनल गाना बचपन में दोबारा सुनने का मौका मिला तो मुझे लगता था कि शायद इस गाने की कॉपी उन्होंने की है, इतना वो दिल में छाया हुआ था, इतना बढ़िया परफॉर्म किया था सतीश कौशिक साहब ने। डायरेक्शन में आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, रूप की रानी चोरू का राजा। सलमान खान साहब के जीवन की सबसे उम्दा फिल्म तेरे नाम डायरेक्ट की थी। एक्टर, डायरेक्टर और भी OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनके जलवे आप देख ही रहे थे। मुझे एक बार उनके साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक सब टीवी पे एक शो आता था जिसमें मैं कॉमेडी मैंने परफॉर्म की और वो जज थे सामने अर्चना सपूर सिंह के साथ में। तो मुझे, मैं पहली बार उनसे मिल रहा था, वैसे तो उनको फिल्मों में देख के मैं उनका दीवाना और फैन और गुरु तो मानता ही था उनको मैं, लेकिन जब मैं उनको पहली बार मिला तो वो उन्होंने जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स दिया, मुझे लग वो उठ के खड़े हुए सीट से और कहने लगे, अरे सुनील तू मेरे दोस्त, तू कैसा है, ये गले लगाया मुझे, साथ में कुछ खाना वाना था खाना खिलाया। तो मैं समझता हूँ कि गुरु की तरह ही मैं उनके याद करूँगा और उनके काम के ज़रिए हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इतने मल्टी टैलेंटेड कलाकार, इतने मिलनसार कलाकार तो इतने हैं कि होली के दिन सबसे मिलकर वो इस दुनिया से रुखसत करके गए। मुझे इस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भगवान की आत्मा खुशहाल। इट्स सो सैडनिंग, मैं सतीश जी से सालों से मिलती आ रही हूँ, वो अनुपम जी और अनिल जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, शबाना जी के इतने अच्छे दोस्त हैं, तो आई हैव ऑलवेज मेट हिम सोशली, आई हैव नॉट रियली हैड यू नो द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद हिम, बट वो इतने दिलखुश, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे इंसान थे, बिल्कुल इट्स वेरी सैड दैट ही पास्ड अवे एंड इट्स अनटाइमली। और
मेरा मानना ये है कि सतीश जी जैसे आर्टिस्ट्स हमारे दिल में हमेशा जीवित रहेंगे उनके काम के द्वारा, और कैलेंडर को कोई कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू, थैंक यू। So it's a very, very unfortunate incident. We've really lost a talent and a stalwart in the industry, and it feels really hard to digest because it's so sudden. But I pray for his entire family. We've seen some really wonderful videos from the past that are coming up on social media also, and I feel like as a parent my heart goes to the family as well, and most importantly I just feel he's gone too soon.